गला बस 10 रु अधिक यात्री आहत होता बेले एससीबी रे सेमानंकु भर्ती करा जायथिबा सूचना रही। सूचना मुताबक देवगढ़ भुवनेश्वर आसुथिला बस एवं घन कुहुड़ी जोगु रास्ता न देखा जिबारु एभली अघटन घटीथिबा प्राथमिक भाव में अनुमान करा जाउछि। एवं सबुठ बड़ कथा हेउछि स्वयं सहायक गोष्ठी महिला मानंकु ए बस नै जाउथिला। गोटे पटे आम देखुचे लगातार भाव में राज्य में घन कुहुड़ी और यहाँ पानीपाग विभाग पक्ष विभिन्न जिला आलर्ट कर सतर्क सूचना दि जाए आम देखुचे एभली एक अघटनर खबर आसुची। कटक बाली निकट में बसटी ओल्टी पड़ी और 10 रु अधिक यात्री आहत होता बेले समस्त एससीबी मेडिकल भर्ती कर जमापड़ बस में थे देवगढ़ आसुवा एसएचजी महिला मैंने तेणु वर्तमान आम खबर उपर नजर रखिचु और समस्त अर्थात जो मैंने पाखापाखि 10 जन आहत होती एससीबी रे भर्ती कर चिकित्सा सुविधा जोगाई दि जा। कटक बाली निकट में ओल्टी बस डिवाइडर में पिटी हुई बस टी ओल्टी पड़ा प्राथमिक भाव में कहुच्छे और आम देखुचे वर्तमान घन कुहुड़ी आस्तरण चारिड़े रोचे और अति निकट अर्थात 50 मीटर 100 मीटर भितर दृश्यमान होनी जार परिणाम स्वरूप आम देखुचे राज्य में विभिन्न जगार छोटमोट दुर्घटना घटुच्छे और यही क्रम कटक बाली आसुची एभली एक अभावन खबर जो बस टी ओल्टी जा। सूचना मुताबक दृश्यमान न होबारु डिवाइडर रे बस टी पिटी होता और परवर्ती समय ओल्टी पड़ा और बस रे अनेक महिला रही थे जो मैंने कि देवगढ़ भुवनेश्वर आसुते और ए 10 रु अधिक महिला आहत होता सूचना रही। जितेबाला से एससीबी निया हॉस्पिटल पहुंचा जाता से समय दृश्य व चित्र टीवी स्क्रीन में देखिपुट हूं तो किसी जन सामान्य आहत अच्छा और जड़े दुईज गुरुतर आहत थपारती बर्तमान आम खबर उपर नजर रखिचु समस्त परिचय कौन किए मैंने आहत होती अवस्था कौन रही लगातार भाव में आम प्रतिनिधि खबर रखिंट कितु निश्चय राज्यवासियों आम देखुचे वर्तमान घन कुहुड़ी जो सतर्कता जारी करेणु एभली जदि परिस्थिति आसूसी आप घंटाए अधघंटा रही उचित मन करपे आम प्रतिनिधि दुबेन्दु रोचे दुर्घटना संपर्क में अधिक क्षमा करेंगे नभेश महांती आम सहित जोड़ नभेश अपडेट कौन अच्छी जे मैंने गुरुतर किए किसी विशेष भाव में गुरुतर अच्छा कि जो 10 जन आहत भितर देखो जो आहत मैंने अच्छा भितर मेजर इंजुरी यदि कह 10 जन को मेजर इंजुरी घटी मल्टीपल स्थान में बॉडी मल्टीपल स्थान में इंजुरी होती कहां हाथ भांगी कहां गोड़ कहां मुंड में आघात लगी। बड़ कथा रही बिबू आप जो कथा कहते घन कुहुड़ी जो ही ये दुर्घटना घटी बस टी देवगढ़ भुवनेश्वर आसला और एसएचजी महिला मानू नहीं आसला कौन गोटे कार्यक्रम से भुवनेश्वर आसी पहुंचिकी भोर भोर पहुंचिक सका पहुंचिकी कार्यक्रम जोग दे कि समय जो बाड़ी निकट में जो मधुसूदन पोल रही से भांगिक सीधा सड़क जयदेव विहार छक उठ बाहरी था सेठिकी गला बेले से जो छकु भांगी जो जाते मधुसूदन सेतु आड़ को गोटे डिवाइडर अच्छी कुहुड़ी जो बोध हुए ड्राइवर जापार ना डिवाइडर में बस टी पिटी होती है बस टी सांग सांग ओल्टी ओलटी पड़ी तेरे घटना घटा पर स्थानीय लोक सेठी जेहतु भोर भोर घटना घटीला स्थानीय लोक सेठी पहुंचते आहत मानक उदार करते पूर्व किसी आहत गाड़ी काच भांगी बाहर को बाहरी आसते बाकी आहत मानक अग्निशम विभाग पहुंचा पर उदार कर 10 जन को छाड़दे अन्य स्वास्थ्य अवस्था ठीक अच्छी से निज निज गंतव्यस्थल को अभिमुखी से यात्रा आरंभ कर सारे कि जो 10 जन अच्छा मल्टीपल इंजुरी एम रही रही हाथ गोड़ मुंड सहित छाती विभिन्न पार्ट्रे इंजुरी लगी कि बेसी ग्रीवियस इंजुरी किंपर अति संकटापन्न अवस्था ये 10 जन भितर किए अच्छा पाखापाखि केत्री थे बस में से दुर्घटना समय किभली किए प्रत्यक्षदर्शी थे कि नभेश कथ जहां जनापड़ी जो मैंने आहत पखापाखि 40 रु 45 जन महिला को लेकिन बस टी देवगढ़ रु बाहरी भोर भोर अर्थात 4:30 रु 5 मध्य दुर्घटना घटी तेरे कुहुड़ी जो ही दुर्घटना घटी आपात तो जहां जात्री मैंने कहते कि ड्राइवर को पचार ही जनापड़े वास्तविक केते सत्यता रही है कि लोके जेतु भोर हो सारी लोके निदर उठी सारी जात्री बस जाऊला बेले लोके निदर जाग्रत हो सारी और कहवा कथा घन कुहुड़ी सामने जेहेतु डिवाइडर आसीगला ड्राइवर जनक डिवाइडर को काटी पारे ना डिवाइडर को अवॉइड करके गाड़ी आगे नहीं पारे ना और सीधा सड़क डिवाइडर रे गाड़ी माड़ा जहाँ की गाड़ी की ऑलरेडी गोटे भी दिग कि देवगढ़ जदि बस आसू निश्चय राति तमाम ड्राइवर चल दिज ड्राइवर थे कि बस रे ना जड़े ही ड्राइवर ए गोटे प्रश्न
ସେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ହିଁ ଥିବେ, କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗ ଟୁର୍ ବସ୍ ଯାଉଛି, ନାଇଟ୍ କୋଚ୍ ବସ୍ ଯାଉଛି, ଦୁଇ ଜଣ ବସ୍ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ ବା ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ସିଧାସଳଖ ଦେବଗଡ଼ରୁ ଗାଡ଼ିକୁ ବସ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଛି। ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ଯଦି ଫିଟନେସ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତାର ପରମିଟ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତାହା ଆର୍ଟିଓ ବିଭାଗ ତାର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦି କହିବା, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦେଖାଦେଉଛି, ଏବଂ ସେ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ହିଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏବଂ ଯାହାର ଗୋଟେ ସଦ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଆଜି କଟକ ବାଲିକୁଣ୍ଡରେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କି ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ କି କାହାର କୌଣସି ସେଭଳି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହୋଇନି ବା ସେଭଳି ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆସିନି, ଏ ହେଉଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା। ଏବଂ ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚେତାବନୀ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ନବେଶ।